नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने आज सिरसा में कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने राफेल मामले में राहुल गांधी के चौकीदार चोर है के बयान को लेकर के किया रोष और प्रदर्शन। उन्होंने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के बाद में राहुल गांधी को चौकीदार चोर है वाले बयान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। भाजपा के नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी ने न सिर्फ केवल झूठ की राजनीति की है बल्कि लोगों को भ्रमित कर लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश भी की है। ऐसे में उन्होंने पूरे देश से राफेल मामले में भ्रम फैलाने के लिए माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने राफेल मामले में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी सरकार को क्लीन चिट देते हुए उनके खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। पलवल सिरसा से अमर सिंह जानी की विशेष रिपोर्ट। लेकिन देश के जो मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने चुनाव प्रचार के दौरान सिर्फ असत्य नहीं, गलत नहीं, बल्कि दुर्भावना से परिपूर्ण झूठे आरोप लगाए और सार्वजनिक रूप से इस बात को बार बार दोहराया कि चौकीदार चोर है। यहाँ तक कि देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था सुप्रीम कोर्ट को मिस कोट करते हुए भी उन्होंने चौकीदार चोर को दोहराया। इसका संज्ञान देश के सर्वोच्च न्यायालय ने लिया और देश के सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा और उसकी साख दुनिया में सर्वोच्च और सर्वोत्तम है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का निर्णय दिया है कि यह दुर्भावना से परिपूर्ण था, असत्य था, गलत था और इसकी हम निंदा ही नहीं करते बल्कि उसको डिसओन भी करते हैं। सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट में जाके वहाँ पे लिखित में, रिटन में क्षमा याचना की और मैं समझता हूँ कि यह सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा दिल करके उन्होंने उनको क्षमा कर दिया। लेकिन टेक्निकली सुप्रीम कोर्ट ने क्षमा कर दिया, लेकिन देश एक ऐसे व्यक्ति को क्षमा नहीं कर सकता जिसने देश की मान, प्रतिष्ठा और साख को दुनिया में धूमिल किया हो। इसलिए देश मांग कर रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी की मांग नहीं है, देश के 130 करोड़ बेटों और बेटियों की मांग है कि राहुल गांधी देश से क्षमा याचना करें और राजनीति से अलग हो जाएं। ऐसे नौसिखिया जो देश की मान और प्रतिष्ठा को दुनिया में धूमिल करता है उसको राजनीति में रहने का कोई अधिकार नहीं है, हमारी ये कहना है। सम्मान के योग मंच पर विराजमान हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री चोपड़ा जी, यहाँ से प्रत्याशियों और कांग्रेस के द्वारा खिलाफ की गई टिप्पणी के खिलाफ किया जा रहा है। वैसे तो आज अपनी सरकार है लेकिन मैं